गौतम गंभीर ने शाहरुख खान को ट्रॉफी दिलाई, केकेआर ने जीत की हैट्रिक लगाई। तो देखिए, एक बड़ा फेमस शेर है, पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के, जीना क्या जीवन से हार के। पिछले 10 साल कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल में जो दिन थे वह पतझड़ के थे, लेकिन गौतम गंभीर के केकेआर में वापस आते ही उनके जो दिन हैं वह भर के आए और केकेआर ने 10 सालों के बाद एक बार फिर आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। साल 2012 में केकेआर जीती थी, साल 2014 में केकेआर जीती थी और एक बार फिर उन्होंने चमत्कार कर दिया है, करिश्मा कर दिया है और केकेआर ने एक तरफा मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को ट्रॉफी दिला दी है हार की और केकेआर बन गया है आपका आईपीएल का नया चैंपियन। और शाहरुख खान, जिनको पिछले 10 साल से इंतजार था एक बार फिर चैंपियन बनने का, उन्होंने गौतम गंभीर को एक बार फिर बुलाया और गौतम गंभीर ने उनको चैंपियन बनाया। तो इस मैच में क्या हुआ आपको जल्दी से वो बताते हैं। तो सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता और बड़ी ही हैरानी हुई जबकि उन्होंने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और सनराइजर्स हैदराबाद के जो बल्लेबाज थे वो 18 ओवर 3 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 113 रन पर ऑल आउट हो गए। जब आप 113 रन बनाओगे आप कहीं भी नहीं जा पाओगे और एसआरएच वाले कहीं भी नहीं जा पाए। अभिषेक शर्मा 5 गेंदों में 2 रन बनाए, मिचेल स्टार की ड्रीम डिलीवरी उनको समझ भी नहीं आया, वो क्लीन बोल्ड हो गए। उसके बाद ट्रेवी सेठ शून्य खाता भी नहीं खोल पाए, कुछ नहीं कर पाए। राहुल त्रिपाठी 13 गेंदों में सिर्फ 9 रन खत्म, एडन मार्कम 23 गेंदों में 20 रन, नीतीश रेड्डी 10 गेंदों में 13 रन, क्लासेन 17 गेंदों में 16 रन, सहबाज अहमद 7 गेंदों में 8 रन, अब्दुल समद 4 गेंदों में 4 रन और कप्तान पैट कमिंस जैसे तैसे 19 गेंदों में 24 रन, 2 चौके और 1 सबसे ज्यादा रन एसआरएच की तरफ से किसी ने बनाए थे तो वो थे पैट कमिंस, जिनके बल्ले से 19 गेंदों में 24 रन आए। वरना यह जो एसआरएच की टीम है 100 रन भी क्रॉस नहीं कर पाती। और अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट लिए, शुरुआत में झटके दिए, 3 ओवर 14 रन देकर 2 विकेट लिए। वैभव अरोड़ा की गेंदबाजी अच्छी रही, उन्होंने शुरुआत में 1 विकेट लिया। हर्षित राणा को 2 विकेट मिले, उन्होंने बहुत अच्छा इंप्रेस किया। इस पूरे आईपीएल में साथ ही सबसे ज्यादा तारीफ और करनी होगी आंद्रे रसेल की, जिन्होंने 2 ओवर 3 गेंदों में सिर्फ 19 रन देकर 3 विकेट लिए और आखिर में वरुण चक्रवर्ती को भी 1 विकेट मिला, नरेंद्र को भी 1 विकेट मिला, यानी कि कंप्लीट ऑल इन ऑल गेंदबाजी में एक टीम एफर्ट आपको देखने को मिला कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, जिसकी बदौलत केकेआर ने एक तरफा मुकाबले में हरा दिया सनराइजर्स हैदराबाद को। और जब आपको 114 रन बनाने होते हैं और सामने कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी धमाकेदार टीम हो, सुनील नारायण बल्लेबाजी करने आए, रहम गुरबाज हो टीम में, आगे बड़ी फौज हो, श्रेयस अय्यर हो, रिंकू सिंह हो, वेंकटेश अय्यर हो, आंद्रे रसेल हो, आप उनको 113 रन का 114 रन का टारगेट डरा नहीं सकते। आखिर में यही हुआ, बड़ी आसानी से केकेआर के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच गए, उन्होंने एसआरएच को हराया, आईपीएल ट्रॉफी की खिताब तीसरी बार उठाया। जी हां, तीसरी बार चैंपियन बनी है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है गौतम गंभीर को, जिन्होंने अपनी कोचिंग में एक बार फिर वह कर दिखाया जो उन्होंने अपने बल्लेबाजी में साल 2012 और साल 2014 में कर दिखाया था। सनराइजर्स हैदराबाद की हार का सबसे बड़ा कारण कौन था, कमेंट में जरूर बताएं।